1908 में आज एक दिन क्रांतिकारी खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। फांसी के वक्त बोस की उम्र मात्र 19 वर्ष थी। 1905 में बंगाल का विभाजन होने के बाद खुदीराम बोस ने देश की आजादी आंदोलन में भाग लिया था और सत्येन बोस के नेतृत्व में उन्होंने अपना क्रांतिकारी जीवन शुरू किया। खुदीराम बोस की शहादत से समूचे देश में देशभक्ति की लहर दौड़ गई। इनके सम्मान में भावपूर्ण गीतों की रचना हुई, जिन्हें बंगाल के लोक गायक आज भी गाते हैं। 1961 में आज एक दिन दादरा नगर हवेली का भारत में विलय हुआ था और इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। गोवा की तरह यह इलाका भी कई साल पुर्तगाली उपनिवेश रहा। नगर हवेली जहां महाराष्ट्र और गुजरात के बीच बसा है, वहीं दादरा गुजरात से थोड़ी दूर पर बसा है। इस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी सिलवासा है। 1779 तक यहां मराठाओं का और फिर 1954 तक पुर्तगाली साम्राज्य का शासन रहा था। यहां की मुख्य नदी दमन गंगा है। यहां का अधिकतर इलाका पहाड़ी है और पूर्वी हिस्से में सह्याद्री पर्वत श्रृंखला देखी जा सकती है। 1984 में आज के दिन दक्षिण अफ्रीकी मूल की बरतानी धावक जोला बर्ड ओलंपिक खेलों के दौरान विवाद में आई थी। दरअसल 3000 मीटर की रेस के दौरान जोला बर्ड अमेरिका की शीर्ष धावक मैरी डेकर से टकरा गई थी, जिसकी वजह से मैरी को दौड़ से बाहर होना पड़ा था। दर्शकों की उग्र प्रतिक्रिया से घबराई जोला बर्ड खुद इस दौड़ में 7वें स्थान पर रही थी। जोला अपनी ब्रिटेन की नागरिकता की वजह से पहले ही विवादों में चल रही थी, क्योंकि ओलंपिक के मद्देनजर उन्हें आनंद फानन में ब्रिटेन की नागरिकता दी गई थी। उन दिनों रंगभेदी नीतियों की वजह से दक्षिण अफ्रीका पर ओलंपिक और कई अन्य खेलों में भाग लेने पर प्रतिबंध था। भारी विवादों के बावजूद यह तय नहीं हो पाया कि दोनों धावकों में से किसकी गलती की वजह से टक्कर हुई। दोनों के टकराने के दृश्य को कई बार अलग अलग कोणों से टीवी पर देखा गया, लेकिन कुछ भी साफ नहीं हुआ। 1985 में जोला ने 5000 मीटर की दौड़ में विश्व रिकॉर्ड दर्ज किया था। 1999 में आज एक दिन सदी का आखिरी सूर्य ग्रहण देखा गया था। यह सूर्य ग्रहण अटलांटिक के ऊपर उत्तरी अमेरिका से दिखना शुरू हुआ। ब्रिटेन में केवल कार्नवाल इलाके में ही पूर्ण सूर्य ग्रहण देखा गया। दुनिया में कई जगहों पर बादलों की वजह से लोगों की सदी का आखिरी सूर्य ग्रहण देखने की हसरत अधूरी ही रह गई। उत्तरी फ्रांस और जर्मनी में पूर्ण सूर्य ग्रहण होते ही आकाश में घने बादल छा गए और भारी बारिश होने लगी। रोमानिया के दक्षिण मध्य में भी इस पूर्ण सूर्य ग्रहण को देखा गया। रोमानिया के दक्षिण मध्य इलाके के मुख्य शहर में सूर्य ग्रहण देखने के लिए सड़कों पर भारी भीड़ उमड़ गई। ब्रिटेन के बाद यह प्राकृतिक नजारा यूरोप के अन्य हिस्सों और एशिया में भी देखा गया। मिस्र में धर्मगुरुओं की सलाह पर लोगों ने अपने आप को घरों के अंदर बंद कर लिया और सड़कों पर सन्नाटा छा गया। पर सीरिया और जॉर्डन में इस दिन राष्ट्रीय छुट्टी घोषित कर दी गई। 2000 में आज एक दिन मशहूर अभिनेता पैदी जयराज का निधन हुआ था। हिंदी फिल्म जगत में पी जयराज इकलौते ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने मूक फिल्मों के दौर से लेकर वर्तमान दौर तक काम किया। बतौर अभिनेता पी जयराज को 1929 में नागेंद्र मजूमदार की फिल्म जगमगाती जवानी से ब्रेक मिला, जिसमें माधव काले नायक थे और जयराज सहायक अभिनेता। चूंकि माधव काले को घुड़सवारी और फाइटिंग नहीं आती थी, लिहाजा जयराज ने मास्क पहनकर माधव का भी अभिनय किया। अपने फिल्मी करियर में इन्होंने लगभग 300 फिल्मों में काम किया, जिनमें से 160 फिल्मों में वह नायक की भूमिका में नजर आए। राइफल गर्ल, भाभी, मेरा गांव, नई कहानी, परदेश, चार दिल चार राहें आदि इनकी मशहूर फिल्में हैं। 50 के दशक में पी जयराज को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और 1982 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया।